नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। खेलों का महाकुंभ माने जाने वाले ओलंपिक के 32वें संस्करण का आगाज 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में हो गया। ओलंपिक के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों को दम दिखाना है। भारत ने उद्घाटन समारोह के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम को ध्वजवाहक बनाया था। ओलंपिक के दौरान कोरोना की वजह से उद्घाटन समारोह में सिर्फ 44 भारतीय खिलाड़ियों ने ही भागीदारी रखी थी, साथ ही दल में सिर्फ 6 अधिकारियों को ही इसमें हिस्सा लेने की स्वीकृति मिली थी। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पहले दिन किस इवेंट में कौन कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद मुक्केबाजों और तीरंदाजों की प्रतिस्पर्धा होनी है। आर्चरी इवेंट में भारत की महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। पुरुषों में तरुणदीप राय, अतनु दास और प्रवीण जाधव से काफी उम्मीदें हैं। ये तीनों इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। वहीं महिला कैटेगरी की कमान दीपिका कुमारी के हाथ में है। दीपिका के नेतृत्व में फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले गए तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड जीता था। इसके बाद वर्ल्ड कप में दीपिका ने व्यक्तिगत इवेंट में भी देश को गोल्ड दिलाया था। एक दिन में 3 गोल्ड जीतने वाली दीपिका से ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद अब जग गई है। 23 जुलाई को महिला व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में भारत की दीपिका कुमारी अपना दम दिखाएंगी। मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह के 5:30 बजे से खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन भारतीय मुक्केबाज भी अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। भारत के 9 महिला और पुरुष मुक्केबाजों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए विभिन्न कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई को वुमेन्स वेल्टरवेट राउंड ऑफ 32 में लवलीना बोगेहिन दम दिखाने उतरेंगी। मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह के 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके बाद मेंस वेल्टरवेट राउंड 32 में विकास कृष्णन यादव खेलने उतरेंगे। मुकाबला 7:30 बजे से ही खेला जाएगा। वहीं मेंस सुपर हेवीवेट राउंड ऑफ 32 में सतीश कुमार पर सबकी निगाहें होंगी। सतीश कुमार का मुकाबला दोपहर 1:30 से खेला जाएगा। आपको बता दें, भारत में ओलंपिक खेलों का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स पर देखा जा सकता है। इसके अलावा सोनी लिप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देखी जा सकती है। इसके अलावा वन इंडिया पर भी आपको ओलंपिक से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।